हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज तीन डिजाइन वाला बनाने वाले हैं आज, तो चलो कटिंग करेंगे, देखते हैं कैसे बनेगा। ये आस्तीन हम ये चार पर्द मोड़ रहे हैं, ये डबल हैं, फिर उसको हम एक बार ऐसे फिर फोल्ड करेंगे इसको। ये 9 इंच आया और इसकी लंबाई हम लेंगे 11 इंच। ये आस्तीन की लंबाई 11 इंच है। इस तरह ये आस्तीन कटिंग हो गया। ये निशान मेरा अब ये नीचे की मोहरी है 7 इंच। कि 6 इंच ये मोहरी है, 1 इंच ये मेरी सिलाई है। इसको हम इस तरह से यहाँ कटिंग करेंगे। अब मेरे इस पर डिजाइन बनेगी, हम ये 1 इंच की दूरी पे इसे खींचेंगे निशान ये। हम इसे कपड़े पे सेट करेंगे। पहले हम इसको साइड से ये अपना ये शेप निकाल दें इसमें। ये शेप निकल गया, ये डिजाइन है। अब हम चलते हैं इसे कपड़े पे सेट करेंगे। ये है कपड़ा, अब हम इस पे चल के इस तरह से सेट करेंगे किनारे से सिल के। ये सिलाई कर चुकी हूँ, अब हम इसे कटिंग करेंगे।
फिर इसे वापस पलटेंगे। ये कटिंग हमको ऐसा करना है कि मेरा ये सिलाई ना कटिंग होने पाए। ये कटिंग हो चुका है, अब हम इसको इस तरह सीधे की तरफ इसको पलटेंगे। अब हम इस पे मशीन चलाएंगे। इस पे अभी मेरा ये आस्तीन हो गया है, इस पे हमें बटन लगाना है और अभी यहाँ हम झालर लगाएंगे जो झालर कटिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसका दूसरा आस्तीन भी तैयार कर लें, इसी तरह से सेम इसी तरह से ये पलट के दूसरा आस्तीन भी हम तैयार करेंगे। ये है देखिए, ये डिज़ाइन इस पे बन चुकी है इस तरह से। अभी हमें इस पे स्टोन लगाना है बटन। आस्तीन बन चुकी है और अब हम इसमें ये झालर लगाएंगे जो ये झालर बना के रखी हूँ, तो अब हम इस पे ये झालर लगाएंगे पहले। ये झालर लग चुका है, अब हम ऐसे दूसरे वाले आस्तीन में भी इसी तरह से झालर लगाएंगे पहले। ये झालर मेरे लग चुका है, अब हम इसमें ये लैस लगाएंगे। ये लैस ऐसे करके हम ये ऊपर लगाएंगे। इसी तरह से पहले दोनों बाजू में हम पहले ये लैस लगाएंगे। झालर और लैस मेरा दोनों आस्तीन में लग चुका है, अब हम इसमें स्टोन टाकेंगे बटन वाला। ये बटन स्टोन है जो हम इस पर रख के एक एक करके टाकेंगे ऐसे करके। ये अभी हम आपको टाक के दिखाएंगे एक एक करके ऐसे, इस तरह से एक एक करके हम ऐसे टाकेंगे इस पर। ऐसे ही हम दोनों आस्तीन पे लगा लेंगे।
फिर इसको हम ज्वाइंट करेंगे। बटन लग चुका है, अब हम इसे साइड से सिलाई करेंगे। ये दोनों इस तरह से पकड़ के ये आस्तीन बनके तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ साथ लाइक भी करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।